अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर है और आज हम मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो ग्रुप में जो स्टूडेंट्स जिनको टैग यूट्यूब टैग जनरेशन के बारे में समझ नहीं आई वो बताना है। अच्छा, टैग जनरेट करते हैं हम किसी क्लाइंट के लिए या अपने चैनल के लिए, तो उसमें मकसद ये होता है कि हमारी जो वीडियो है वो रैंक हो। रैंक करने के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल। अब ये एक चीज़ है हमारे सामने, ये देखें, ये हमारे पास अर्तुगरुल कास्ट मीटिंग है, ठीक है, इसका इन्होंने टाइटल भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक थीम लगाया हुआ है, डिस्प्ले पिक्चर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो हो गया दो। इसी तरह ये सब इसमें देख लें, ये सारे जो पिक्चर्स हैं, या तो हमारा होता है कि हम वीडियो में से ही कोई पिक्चर लगाते हैं, या फिर हम अपनी कोई एडिट करके लगाते हैं। ये देख लें, हाउ टू टर्न फोटो इनटू कार्टून इफेक्ट, फोटोशॉप की ये वीडियो बनाई हुई है किसी ने, ठीक है, एक साल पुरानी है, 2.3 मिलियन व्यूज़ हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह और आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। हम चलते हैं, अब मेरा अपना चैनल है, पहले क्लाइंट से हम एक्सेस लेंगे चैनल की, मेरा अपना चैनल है इसलिए मेरे पास एक्सेस मौजूद है। ये मैंने सिर्फ सीखने के लिए बनाया था चैनल, सीखने और सिखाने के लिए, ठीक है। अभी तक 50 वीडियोज हैं और 1.19K सब्सक्राइबर्स हैं, वॉच टाइम नहीं है। ये मेरा चैनल है, इसमें एक्सेस लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास हमारा चैनल का ओपन हो गया, या तो हम यहाँ से कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सेस मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये वीडियोस आ गई, ठीक है, ये मेरी सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जब हम क्लाइंट से कोई लेंगे चैनल, ईमेल, पासवर्ड, जो चीज़ भी हमें ज़रूरत होगी हम क्लाइंट से लेंगे, उसमें हम जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद ये हमारा डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। डैशबोर्ड में हमारे पास वो चीज़ होती है जो हमने अपलोड की हुई होती है या हमने एडिट करनी होती है, ठीक है। हमने एडिट करना है वीडियोस को, ठीक है, वीडियोस को हम एडिट करते हैं। ये हमारे पास वीडियो आ गई, ठीक है। अब ये मैंने एक ग्रुप के लिए बनाई थी, हाउ टू डाउनलोड एनी एडोब सॉफ्टवेयर 2020, ठीक है। इसमें इलस्ट्रेटर वगैरह, फोटोशॉप और दूसरे सारे सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन और फाइल ओपनिंग तक सारा मौजूद है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसी को दोबारा रैंक करूँ, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये थंबनेल, ये देखें, ये जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है यूट्यूब के लिए हम यूज़ करते हैं उसको ट्यूबबडी, एक तो ट्यूबबडी होती है, उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे पास थंबनेल जो है ये खुद बता दे। अगर इसमें से आपने नहीं रखना, चौथा ऑप्शन आपके पास होता है, आप इसको अपना एडिट करके थंबनेल वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये नीचे आ जाते हैं टैग्स। अब टैग्स का मकसद ये है कि हमारी वीडियो रैंक कैसे होगी। अब ये मेरी वीडियो जो है डाउनलोड एडोब सॉफ्टवेयर फ्री इस टाइटल के साथ यूट्यूब पे 31वें नंबर पे रैंक हो रही है, ठीक है। सर्च कर लेते हैं इसको, इसको देख लेते हैं, ये हम सर्च कर लेते हैं, टैग किया था डाउनलोड एडोब सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, आ,
इसमें ये मेरी वीडियो आ गई, ठीक है। ये देखें, वन व्यू है, वन डे अगो है, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम भी आ रहा है, व्हाट्सएप वीडियोस, ठीक है। अब गिनते हैं ये कितने नंबर पे है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22वें नंबर पे मेरी वीडियो रैंक हो रही है। पहले नंबर पे भी रैंक हो सकती है, वो इस वजह से नहीं हुई, वीडियो फ्रेश है, व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं लेकिन व्यूज़ नहीं है। अब इसी का हम इसी वीडियो को हम प्ले करते हैं। अस्सलाम, ठीक है। इसका हम यहाँ से URL कॉपी करते हैं और गूगल पे हमने लिखना है यूट्यूब टूल्स, ठीक है। ये देखें, गूगल पे हम लिखेंगे यूट्यूब टूल, लिखेंगे ये पहले वाला जो ऑप्शन है हमारे पास टैग जनरेटर का, इस पर क्लिक करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ से क्लाइंट की वीडियोस ओपन की, उससे पूछ लिया उसको किस वीडियो पे जो है जो कौन सी वीडियो रैंक करवानी है। वो वीडियो ओपन की, वीडियो ओपन करने के बाद यूट्यूब में प्ले की, लिंक कॉपी किया और टैग जनरेटर में आके पेस्ट कर दिया। अब हम इसको कहते हैं फाइंड टैग्स, ठीक है। ये ऑप्शन देगा आपको, इस पर टिक करना है फाइंड टैग्स। अब ये हमारे लिए इसने रिजल्ट्स जो दिए हैं ये इसने हमें, अब देखें, डाउनलोड एडोब सॉफ्टवेयर फॉर फ्री, पहला ऑप्शन इसने जो दिया है वो मैंने अपने टैग्स में पहले नंबर पे लगाया हुआ है, जो 31वें नंबर पर रैंक हो रहा है। ये इसने रिलेटेड दे दिए, ठीक है। ये टैग्स हैं हमारे पास, क्योंकि इसमें इसने जो है एंड पे कॉमा दिया हुआ है। इसको हम करते हैं कॉपी, कॉपी किया, इसको क्लोज कर देते हैं। टैग्स के ऑप्शन में है पेस्ट किया, ये हमारे पास टैग्स आ गए, ठीक है। नीचे आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया ट्यूब बडी और vidIQ, ठीक है। ये हमें रिकमेंडेड टैग्स भी देते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ से भी टैग्स हम ले सकते हैं, अगर यहाँ पर नहीं आ रहा हमारे पास रिकमेंडेड टैग, ये देखें क्रिएटिव क्लाउड 13वें नंबर पर रैंक हो रहा है इस नाम से, इस पर भी क्लिक कर दिया। ये लोडिंग कर रहे हैं उसको, ठीक है। वेयर दिस वीडियो रैंक ऑन यूट्यूब सर्च रिजल्ट, इस ऑप्शन को भी देख लेते हैं। फिर एडोब CC, ठीक है, एडोब प्रीमियम प्रो, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी रैंक क्या है। ओपन न्यू टैब, इसको रिफ्रेश करते हैं, शायद ये vidIQ हमारे लिए कुछ नए टैग्स जनरेट कर दे, ये पहले से मौजूद। अब ये देखें, ये vidIQ SEO सोर्स हमारा हमें बता रहे हमारा, ठीक है। ये एक्सटेंशन है TubeBuddy की भी और vidIQ की भी, ठीक है। ये एक्सटेंशन है, ये आपको अब क्रोम स्टोर में से फ्री में मिल जाएगी, इसे आप डाउनलोड कर लें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। इसका मकसद भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारा SEO जो है 46.2% 50 out of 50, ठीक है, 50 में से 46% हमारा SEO मुकम्मल है। अब हम देखना ये है कि ये हमें क्या कह रहा है। अच्छा, ये वो दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
एक तो ये ऑप्शन है, इसको हम कर लेते हैं सेव। ठीक है, ये सेव हो गया। अब इसमें हमारे पास टाइम लग सकता है, 48 घंटे भी लग सकते हैं, 72 घंटे भी लग सकते हैं इसको रैंक होने में, व्यूज़ आने में। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि एक सॉफ्टवेयर मिलता है, ये ट्यूब रैंक जेट प्रो 3। ठीक है, ये फ्री आपको गूगल से मिल जाएगा। जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपको विड आई क्यू, और ये देखें ये विड आई क्यू मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है। ये मैंने टाइटल लिखा है जो मैंने सर्च किया है, डाउनलोड एडोब सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। व्हाट्सएप ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये मैंने चैनल का टैग डाला था इसमें। ठीक है, ये प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, इसका बताने का मकसद ये है, ये फ्री है, ये आपको हर चीज़ मुहैया करेगा। ये देखें ये बता रहा है हमें यहाँ पे ओवरऑल सोर्स, ये यहाँ पर हमें बताता है कि इस टाइटल के साथ जो वॉल्यूम है 100 out of 31%, और कंपटीशन जो है वो ये लो शो कर रहा है। नीचे आ जाते हैं टॉप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़, ये देखें ये दे रहा है सर्च ऑन यूट्यूब। इससे अगर आप सर्च करते हैं तो आपकी वीडियो रैंक हो सकती है। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप, ये यहाँ पर सारी चीज़ें शो कर रहा है। फिर मेरे पास है ट्यूबडी एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन बता रहा है कि फ्री डाउनलोड एडोब फ्लैश एनिमेशन सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पर रिलेटेड सर्च बता रहा है। ठीक है, मोस्ट यूज टैग कोई भी नहीं बता रहा। अब ये देखें इन दो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशंस का मकसद रखने का ये है कि हम अगर किसी क्लाइंट को काम देते हैं उसका जो टाइटल है वो यहाँ पर सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पर सर्च करने के बाद जिसके साथ ये टॉप पे जाएंगे, हम देखें ये टॉप वीडियो 78% रैंक है, 1 year ago 10K व्यूज़ हैं इसके। ठीक है, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ना, ये इसके टैग्स हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं, इसको कर देते हैं स्टॉप। हम जाते हैं, अब ये देखें यहाँ पर ये विड आई क्यू हमें इस वीडियो की सारी डिटेल है। ओवर व्यू जो है सिक्स किधर गया, ये विड आई Always क्यू, being curious to learn and always want. विड आई क्यू जो है वो हमें इसकी सारी डिटेल्स दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है, ये मेरे ख्याल से चलो ट्यूब बॉडी से शुरू करते हैं। समरी बता रहा है टोटल व्यूज़ जो हैं 10.5K। ठीक है, कमेंट्स 15 हैं, लाइक्स जो हैं 171 हैं, और डिसलाइक 49 है। ठीक है, SEO क्रिएटर सजेस्टेड ये नहीं शो करता, रैंक टैग लगाई हुई थी, SEO सोर्स 100% कंप्लीट है। ठीक है, 1 साल पुरानी वीडियो इसलिए ये 100% शो कर, सोशल मीडिया पे इसने नहीं शेयर की हुई कोई लाइक नहीं, अपवोट पे शेयर नहीं की हुई कोई लाइक नहीं, ट्विटर पे भी नहीं शेयर की हुई, चैनल व्यू सब्सक्राइबर्स और ये यहाँ पर शो करता है लेकिन ये इस वक्त शो नहीं कर रहा। 186 वीडियोज़ हैं इसकी सारी। बस ये यहाँ पर आप आ जाएं, ये टैग्स जो हमने देखे थे ना बाहर इस वीडियो के नीचे लगे हुए, ये टैग्स हमारे पास यहाँ पर सारे आ गए। ठीक है, अब विड आई क्यू में देखते हैं वो क्या कह रहा है। देखें 66.6% 100 में से SEO सोर्स है इसका। फिर उसके बाद एंड स्क्रीन, यानी कि इसने 4 एंड स्क्रीन लगाए हुए हैं जो अक्सर हम देखते हैं वीडियो ख़त्म होने के बाद दो साइड्स पे दो दो वीडियोस लिंक आ रहे होते हैं, ये वो चीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कार्ड एंड स्क्रीन, ये सारी चीज़ें इसने इसमें लगाई हुई है। फिर चैनल आप देख लें,
एवरेज डेली व्यूज़ ये चैनल ले रहा है 1310। चैनल कहाँ का है? इंडिया का। व्यूज़ लास्ट 30 डेज 39.3K। ठीक है, व्यूज़ रैंक ये आप सारी देख लें, ये हमें बता रहा है। ये देखें ऊपर जो हमारे पास टैग्स हैं ट्यूब बडी में, ये हमें रैंक्ड नहीं बताता। टैग्स शो करेगा लेकिन ये नहीं शो करेगा कितने नंबर पर या कितने परसेंट रैंक्ड है वीडियो। विड आई क्यू का ये है, विड आई क्यू में ये चीज़ें हमारे पास शो होती हैं। एडोब फ्री सॉफ्टवेयर पहले नंबर पे, ठीक है, वीडियो हमने पहली प्ले की इसलिए पहले नंबर पे, इससे फ्री सॉफ्टवेयर 11वें नंबर पे। फिर हाउ टू गेट एडोब फ्लैश CC6 फ्री, इलुस्ट्रेटर CC6 फॉर फ्री 7वें नंबर पे इस टाइटल से। फिर हाउ टू गेट एनी एडोब सॉफ्टवेयर ये 3रे नंबर पे, जो मेरा ये देखें हाउ मैंने डाउनलोड लिखा हुआ है, उसने टैग में जो दे रहा है वो हाउ टू गेट एनी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसी तरह अब हमने इनको करना है कॉपी। ठीक है, ये हमारे पास देखें ये कॉपी टैग्स टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर कॉपी किया, चले जाते हैं अपने टैग्स में, टैग्स क्लोज किए, यहाँ पर पेस्ट कर देने, सिंपल। ठीक है, पेस्ट करने के बाद हमने वीडियो सेव करनी है, ये हो गई हमारी वीडियो सेव। अब हम जाएंगे अपने चैनल पर, यहाँ से नहीं, यहाँ से जाते हैं बैक पे, ये हमारे पास वीडियो है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई नहीं, व्यूज़ 9 है, कमेंट 0 है, 8 थे अभी थोड़ी देर पहले मेरा ये काम करने में, इसके व्यूज़ 8 थे, अब 9 हो गए। तो अब यहाँ पर इसी तरह दूसरी वीडियोस हैं, ये मेरे पास आधे घंटे की तकरीबन वीडियो रैंक नहीं, व्यूज़ नहीं, किस वजह से, क्योंकि मैंने इस पर काम नहीं किया। अब ये मेरा थंबनेल आप देख लें, इट्स टाइम टू लीव अवर कंफर्ट जोन, मोटिवेशनल स्पीक है। ठीक है, इसके बाद और वीडियोस हैं जिस पर आप लगाना चाहें, लेकिन आपको इसके लिए ज़रूरी है एक्सेस। ये मैंने यहाँ पर मूवी एक पूरी अपलोड की थी वॉच टाइम के चक्करों में, लेकिन ये बैन हो गई। इसी तरह अब एक और चीज़ आपको जो बतानी थी वो था ये सॉफ्टवेयर ट्यूब रैंक जेट प्रो। ठीक है, इसमें ये होता है, आप क्लाइंट आपको कहता है मुझे टैग्स जनरेट करके दें। ठीक है, आपने ये काम करना है, आप उसका जो टाइटल होगा, ठीक है, टाइटल करते हैं कॉपी, ठीक है, आ जाते हैं अपने जेट प्रो। ठीक है, यहाँ पर हम इसको करते हैं पेस्ट और इसको कहते हैं ये नंबर ऑफ वीडियोस जो दे रहा है इसको कहते हैं हम 20 वीडियोस। वीडियो शायद बहुत लंबी होगी, 22 मिनट की होगी। ठीक है, 20 वीडियो, ये वो वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर पहले पेज पे 20 वीडियो जो रैंक हो रही हैं उसके साथ इनका मुआजना करें। ये प्रोसेस कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये आपको मिल जाएगा गूगल पे या किसी वेबसाइट पे आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास वीडियोस आ गई। ठीक है, देखें अब हमारे पास पहले नंबर पे वीडियो कौन सी है, यही है ना। ठीक है, इसके टैग्स भी लगे। अब हमने करना क्या है, हम कहते हैं इस ऑप्शन में आते हैं एनालिसिस वाले में, इस पे चले जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड एडोब सॉफ्टवेयर, ये उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है,
लेकिन ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा टैग्स। हमने वो वीडियो यहाँ पर सर्च करनी है जिसके टैग्स मौजूद हों। अब ये यहाँ पर टैग्स क्यों नहीं शो कर रहा, इसका इलम नहीं है। बाज़त होता है YouTube पे वीडियोस होती हैं लेकिन यहाँ पर टैग्स नहीं आते, इनमें तो नहीं आ रहा। फिर एक और सॉफ्टवेयर है टैग फाइंडर, YouTube वीडियो टैग फाइंडर, इसको ओपन कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ये इसमें तो टैग्स लगे हुए हैं लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा इस वीडियो में। ये हमारे पास आ गया YouTube वीडियो टैग फाइंडर, एंटर वीडियो URL। ठीक है, अब हम जाते हैं YouTube पे। ये इसी को कर लेते हैं, ये जो आधे घंटे वाली वीडियो है। मैं जस्ट YouTube पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, टैग्स शैग्स ये कोई मैं ज़्यादा इतना नहीं लगाता। लगे हुए इस पर भी होंगे लेकिन ये देखें टैग्स नॉर्मल टैग्स हैं, कोई रैंक नहीं हो रहे, इस वजह से मेरी वीडियोस रैंक नहीं होती। इसका हमने करना है टाइटल कॉपी। कॉपी किया, यहाँ पर है नहीं, इंटर वीडियो URL है। ठीक है URL कॉपी करना है, ये URL है, कॉपी किया। यहाँ पर आते हैं, ये क्या ओपन कर दिया YouTube वीडियो टैग फाइंडर। अच्छा ठीक है, अपडेट नहीं करना। नो एनी टैग अवेलेबल फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो पर कोई टैग नहीं, और किसी वीडियो पर चले जाते हैं। इस वीडियो पर हम नीड अ प्रोफेसर URL a website I created one for our startup using Wix। रिफ्रेश हो जाए इसके बाद फिर इसको ऐड करते हैं। ठीक है, ये हमारी वीडियो आ गई, कॉपी किया, यहाँ पर जाते हैं, पेस्ट किया, ये भी शो नहीं कर रहा। ये लगता है अपडेट करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर, मुझे भी ये शो ही नहीं कर रहा, ये अपडेट करने पड़ेंगे। चलें, आपको समझ तो आ गई होगी ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई हो। अब यहाँ पर इसमें यह है कि यहाँ से आप जाएंगे, इसमें एक चीज़ और है। ठीक है, आपने जिस टाइम वीडियो अपलोड करनी है, मैं ट्यूब रैंक जेट प्रो का एक और फ़ायदा भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, SEO आप किस तरह देखेंगे, SEO देखने का तरीका यह है, यहाँ से आप यानी कि जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसका टाइटल आपने सोचा होगा, उस टाइटल को आपने यहाँ पर लिखना। ठीक, ये लिख लिया। फिर डिस्क्रिप्शन जो आपने लिखनी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ पर ले आएंगे आप। ठीक है, फिर ये कह रहा है सिलेक्टेड टैग्स, सिलेक्टेड टैग्स हमारे पास ये है। अब देखें ये मैंने अभी किया, इट्स टाइम टू गेट आवर मोटिवेशनल स्पीच है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर रैंक हो रही है। यहाँ से इनको कॉपी करते हैं, यहाँ पर जाते हैं टैग्स में पेस्ट करते हैं।
ये तो कामा कामा ठीक है। अब हम इसको कहते हैं गेट माई सोर्स। ये कह रहा है 33% आपकी वीडियो जो है SEO के मुताबिक है। ठीक, इसी तरह अगर हमने इसमें चेंजेस करनी है वो हम यहाँ पर करके अपना SEO बढ़ा सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है, अगर हम वीडियो जो हमने अपलोड करनी है टैग्स यहाँ पर आ रहे हैं, अगर जो टैग्स यहाँ पर आ रहे हैं वो भी कॉपी करके डालते हैं, उसके अलावा हमारे पास सजेस्टेड टैग्स यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है, वहाँ से भी हम टैग्स लगा सकते हैं, उसके बाद जो है हमारी वीडियो रैंक होती है। एक चीज़ ये हो गई, बल्कि मैंने आपको YouTube टूल के मुतालिक भी बता दिया, ठीक है, फिर आपको दो सॉफ्टवेयर मैंने बता दिए, एक ट्यूब रैंक Jet 3 और एक मैंने आपको ये बता दिया YouTube वीडियो टैग फाइंडर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास टैग्स आ जाते हैं, लेकिन ये अब अपडेट का कह रहे हैं, अपडेट करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, अगर किसी को नहीं भी आई तो रब्ता कर सकता है, थोड़ा लेट रिप्लाई दे सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरी अपनी मसरूफियात होती हैं, इसके लिए पहले से ही मैं माज़रत चाहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर किसी को कोई मसला हो इसमें समझना है तो रब्ता करें। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।